नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूदीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ गई है। भारत में मंगलवार को 11,793 नए मरीज मिले, जबकि 27 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले सोमवार को 21 मरीजों की जान गई थी और 17,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए थे। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना केस के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के 11,793 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,18,840 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 96,700 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 27 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,047 हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक स्वच्छता के सिपाही का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक समाज में स्वच्छता का भाव जागृत करने और बच्चों युवाओं में स्वच्छता का संदेश देने में मददगार साबित होगी। इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, नगर पालिका अध्यक्ष पिथौरागढ़ राजेंद्र सिंह रावत, पुस्तक के प्रकाशक रजनीश कौसवाल उपस्थित रहे। एमके न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अध्यक्षता की। बैठक में वार्षिक बजट के अलावा पूरे साल भर विकास के लिए धरातल पर उतारे जाने वाली योजनाओं का खाका तैयार किया गया। तो वहीं बोर्ड बैठक में लिए गए कई फैसले जो लिए गए, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पर्यटन विकास परिषद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुल 55.0 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास परिषद के ढांचे में कुल 94 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। राज्य के पर्यटन के प्रचार प्रसार 30 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। वहीं प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, एडवेंचर समिट, स्कीइंग चैंपियनशिप, टिहरी झील महोत्सव, योग महोत्सव आदि के आयोजन का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। हुनर से रोजगार योजना के अंतर्गत कुकिंग, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग आदि के लिए 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कैरावान टूरिज्म, चाय बागान टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म, नेचर गाइड आदि के प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव मिला। वहीं ऋषिकेश में गंगा क्याक फेस्टिवल, टिहरी में कैनोइंग फेस्टिवल, बौर जलाशय में क्याकिंग चैंपियनशिप, योग महोत्सव, छोटा कैलाश माउंटेनिंग अभियान, पिंडारी में ट्रैक ऑफ द ईयर के साथ साथ हाई और लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग ट्रेनिंग शामिल हैं। खबर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा से है, जहां बारिश के दौरान सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल होने पर PWD मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया। कहा, बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। महाराज ने कहा कि वीडियो देखे के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्य रुकवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिखणी खाल से देवी यू खाल पर सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। वहीं सतपाल महाराज ने PWD विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण कार्य न करवाए जाने की हिदायत दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में सड़कें गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई जाएं। वहीं नितिन बिष्ट प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस का कहना है कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह कार्य करवा रहे हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा? मैं कहता हूँ कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करेंगे? वर्तमान में जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा, मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा,
एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी, अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में रिठड़े खाल से देहियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। चमोली के थराली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संसाधनों के अभाव के बीच संचालित हो रहा है। यहां 10 डॉक्टरों की तैनाती होने के बावजूद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में लगे एक्सरे मशीन पिछले लंबे समय से खराब चल रही है जिसे अब तक भी बदला नहीं गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सकों का कहना है कि शासन स्तर पर एक्सरे मशीन की खरीद की बात चल रही है और जल्द ही एक्सरे की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखना होगा कि बिना संसाधनों के चलते रहे इस अस्पताल में कब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो पाती हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। लेकिन आज डॉक्टर होने के बावजूद भी मूलभूत जो उपकरण हैं, जो संसाधन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसके लिए पहाड़ के लोगों को यहाँ पर से 150 और 50 किलोमीटर के दायरे में अन्यत्र जाना पड़ता है। आप छोटी से हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे भी पिछले डेढ़ से दो साल से यहाँ पर एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएँ नहीं है। पता चला है कि 15 डॉक्टरों की एक पैनल है, एक टीम है, लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और बहुत सुदूर इलाके का ये पिंडर वैली का अकेला सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन कुछ महीने से एक्सरे मशीन ख़राब चल रही है। टेक्नीशियन भी आए हुए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दे दिया है, जल्द ही एक्सरे मशीन आ जाएगी यहाँ पर। अल्मोड़ा में SSJ विश्वविद्यालय में इंडो नेपाल रिलेशंस एंड कल्चर पर सेमिनार शुरू हो गया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि 3 दिनों तक सेमिनार में आधा दर्जन देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं साथ ही नेपाल के साथ संबंधों और कल्चर पर चर्चा की जाएगी। आज जो है 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार है जिसका विषय है इंडो नेपाल रिलेशन एंड उत्तराखंड हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि उत्तराखंड का नेपाल से प्राचीन समय से बहुत बड़ा आंतरिक संबंध रहा है। कर्णप्रयाग तहसील परिसर में सोमवार को अग्निपथ योजना के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो हम आंदोलन करेंगे। एक और भाजपा की सरकार लगातार युवाओं को स्थायी रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन अग्निपथ योजना के निर्णय से युवाओं का भविष्य नहीं बनेगा। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी गौचर कर्णप्रयाग गैरसैंण के संयुक्त तत्वाधान में हमने आज तहसील परिसर में आज ये सत्याग्रह धरना यहां पर हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित तौर पर जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, चौतरफा विरोध इसका पूरा देश में युवा लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं की भावनाओं को समझ करके, युवाओं की जो पीड़ा है उसको समझ करके अपना समर्थन युवाओं को दे रही है। खबर उद्धम सिंह नगर के पंत नगर नगला चौराहे से है, जहां घरेलू सामान को लेकर राजस्थान से हल्द्वानी जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई जिससे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अग्निमिशन विभाग को सूचना दी। सूचना के आधार पर 4 अग्निशमक वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया। उद्धम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। माल आ रहा था और ये हल्द्वानी जा रहा था। अच्छा, तो हमें ये पेड़ के पास आग लग गई, धुआं उठता दिखा तो हमने यहाँ लाकर रोक दिया। कितने बजे की घटना है ये? 7 से 8 के बीच की। 7:56 में मैंने मालिक को फोन कर दिया जिसका माल आया। अच्छा,
उत्तराखंड में हो रही बारिश से एक तरफा जहां राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी आई है। बारिश का मौसम आते ही नैनीताल नगर निगम और अन्य सरकारी विभाग के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। जगह जगह नालियां और सीवर चौक हैं जिसके चलते जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब हमने इसे लेकर नगर पालिका के ईओ से बात की तो उन्होंने सरकारी भाषा में जवाब दिया और कार्रवाई की बात कही। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। अभी पानी की बारिश के नाले में आया, नाले से झील में आया और झील की सफाई में चार कर्मचारी और बोट वालों से दो बोटे लेकर के जाली से हम साफ करा कर और इधर ऐसा बारिश काफी तेज होने का नदी में काफी कूड़ा आ गया है, उसको भी हम कंजाई लगा दी है और उसको धीरे धीरे साफ करने के। नैनीताल के मल्लीताल बैंड हाउस के पास मार्ग पर गहरी दरार पड़ने को लेकर सिंचाई विभाग और नगर पालिका की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के एस चौहान व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा ने निरीक्षण के दौरान बैंड हाउस के पास वाले मार्ग पर पड़ रही दरार की स्थिति को जांचा। अधिकारी के एस चौहान ने बताया कि झील का जल स्तर घटने और बढ़ने से झील से सटे इस मार्ग पर काफी दबाव बना रहता है, इससे ये धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। मार्ग की इस दीवार का कुछ हिस्सा काफी संवेदनशील बना हुआ है जो तेज बारिश होने पर झील में समा सकता है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के भीमताल में कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं बाईपास सड़क भी बरसात के कारण टूटने की कगार पर है। खुटानी नाले से आए बरसात के पानी ने बाईपास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जिससे पूरा मलुवा ब्लॉक रोड के पास दुकानों और घरों में घुस गया। कुछ महीनों पहले आई आपदा से पहले ही लोगों को काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी ने ना तो उन सड़कों को ठीक करवाया जिनमें बरसात के कारण मलबा आया और ना ही बाईपास नहर को ठीक किया। नैनीताल से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। उसमें भी कुछ बच्चियां गाय दबके मर चुकी थी और ये खतरा बना हुआ है हमेशा के लिए। और कल रात भी कम से कम लगभग 2-2:30 बजे के आसपास एक भारी वर्षा हुई है जिससे ये पूरा मलबा ये घरों में घुस गया है। ये 3-4 परिवार हैं, इनके घरों में घुसा है और इसे एक बड़ी दुर्घटना होने का कारण बना हुआ है। प्रशासन को भी इसके बारे में काफी बार सीडीओ साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उत्तराखंड में मॉनसून चंद दिनों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा चेतावनी के तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, साथ ही भूस्खलन भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अनेक जगहों में बारिश की संभावना जताई गई, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में भी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम के मद्देनजर अलर्ट रहना पड़ सकता है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसने एक निजी दुकान से वर्दी खरीदकर पहन ली थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का सुहैब है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। बुलंदशहर से उदय यादव की रिपोर्ट। आज प्रातःकालीन चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर में जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी तो मार्केट में एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी धारण किए हुए था जो संदिग्ध सा लगा, तो पुलिस टीम ने जाकर उससे पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि वह एक सामान्य सा व्यक्ति है जो कि पुलिस विभाग में नहीं है, परंतु उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के यहाँ मार्केट में घूम रहा था।
खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को एक तमंचा, दो कारतूस मिले। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जीटी रोड के नए बाईपास ओवर ब्रिज के पास दो बाइक चोर चोरी की बाइक बेचने की फिराक में खड़े हैं, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। नूरपुर थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना हुई थी, और जिसकी आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और नूरपुर पुलिस द्वारा जो है एक शातिर जो है चोरों का एक गैंग पकड़ा गया जो है, लुटेरों का जो है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है मोहित रूप रेंचो, गणेश शर्मा, जीशान और कार्तिक। अभी इसमें एक अभियुक्त सानू जो है वो फरार है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने एलपीएस अकादमी में डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर एलपीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे जीवन में प्रशिक्षु रहते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं है और शिक्षार्थी बनने की कोई आयु नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है, साथ ही ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मोहन मेटवाल ने मसूरी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि LBSNAA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत समृद्ध भारतीय संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी की ये महत्वपूर्ण पहल है। प्राणों का बलिदान किया जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सभी सेनानियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी हमारे नाम दी। उन सभी को नमन करते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा किए हुए संघर्ष की हमेशा ऋणी रहेगी। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव न केवल उनके द्वारा किए गए त्याग को पुनः स्मरण करने का अवसर है, बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का भी अवसर है। और हमको ये संकल्प लेना चाहिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कि हम जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और विदेशी आतंकियों की गोली उनको न प्रवेश करे, उन्होंने अपनी कनपट्टी पर अपनी भी रिवाल्वर से अपने प्राणों को ले लिया। नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत युवाओं को 7 दिवसीय स्पीयर हेड टीम प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं नेहरू युवा केंद्र की परियोजना अधिकारी अभिलाषा पवार ने बताया कि गंगा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, साथ ही गंगा की अविरल पवित्रता बनी रहे, इसी उद्देश्य से 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। हर दिन विशेषज्ञों द्वारा युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है, इसमें युवाओं की सहभागिता जरूरी है। शिविर में आए युवक युवतियों ने भी नमामि गंगे योजना की सराहना करते हुए कहा कि गंगा की स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। गंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, गंगा की पवित्रता के लिए हम सबको आगे आकर प्रयास करने होंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 25 जून से हमारा ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण जो 50 युवा हैं उनके नमामि गंगे परियोजना के तहत आरंभ किया गया, जिसमें कि हम इन युवाओं को माँ गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कैंप का आज 3रा दिन है। तीसरे दिन में हमको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग लेक्चर देने आए और बताया कि गंगा को कैसे साफ कर रखे। इसका टॉपिक है नमामि गंगे, तो ये हमारा 3रा दिन है। ये 7 दिवसीय कैंप लगाया है, ये हमारा 3रा दिन चल रहा है। और जो हमें बताया गया है कि गंगा को स्वच्छ कैसे बनाएं, अपने आसपास जो हमारी नदियां हैं, गाड गदेरे हैं, इन्हें स्वच्छ कैसे बनाएं। 25 जून खबर देहरादून से है, जहां अगले महीने यानी जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की।
बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 14 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। वहीं हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार पहुँचते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बाधित थी, लिहाजा इस साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए के आने की संभावना है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। कांवड़ यात्रा में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों और होमगार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि यात्रा को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाया जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमने इंटर स्टेट बैठक की है कांवड़ मेला के प्रबंधन को लेकर 2022 की, और इसमें हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी इंटेलिजेंस उनको जोड़ा है, और उसके अलावा जो बॉर्डर के एसपी डीआईजी इजेक्ट जो बॉर्डर है यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पोंटा साहिब, यमुनानगर वगैरह, और कई जगह की एसटीएफ एजेंसीज भी जुड़ी। केदारनाथ के लिए 30 जून से सभी हेली सर्विस बंद हो जाएंगी। हेली कंपनियों ने बारिश के चलते ये फैसला लिया है। इस साल 14,665 उड़ानों के जरिए कुल 81,494 तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पहले हिमालयन हेली ने 10 जुलाई तक सेवाएं देने का निर्णय लिया था, लेकिन वह भी अपनी सेवाएं बंद कर देगी। वहीं अभी 9 में से 2 हवाई कंपनियां ही सेवाएं दे रही हैं। अब तक 81,000 से अधिक यात्री हेली सेवा से दर्शन के लिए धाम पहुंच चुके हैं। उधर सितंबर से दूसरे चरण की सेवाएं फिर से शुरू होंगी। केदारनाथ धाम के लिए 6 मई से हवाई सेवाएं शुरू हो गई थी। हेली सेवा के सहायक नोडल अधिकारी एसएस पवार ने बताया कि 9 हवाई कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू की थीं, जिसमें 7 हवाई कंपनियां अब तक लौट चुकी हैं। ये सभी कंपनियां अब अमरनाथ यात्रा में सेवाएं देंगी। इस समय केवल 2 कंपनियां ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। पवार ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के दिनों में भी आवाजाही सुचारू रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रत्येक डेंजर जोन पर मजदूरों की तैनाती कर दी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देहरादून राजभवन में शपथ लेंगे। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 6:15 पर होगा। बता दें कि न्यायमूर्ति सांघी नैनीताल हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति सांघी ने प्रारंभ में मुकुल रोहतगी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कार्य किया। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के पैनल वकील के रूप में भी सांघी नियुक्त हुए। वहीं दिसंबर 2005 में उन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर जहां अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग चेक पोस्ट पर यमुना नदी पुल के आसपास दिन दहाड़े अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है। हालांकि हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाला यमुना नदी पुल काफी पुराना हो चुका है, इसके बावजूद पुल के नीचे धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन अवैध खनन को देखते हुए अनदेखा किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जिलाधिकारी के अवैध खनन पर रोकथाम के निर्देश को जिम्मेदार कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट।
विकासखंड अगस्त्य मोहिनी के कोठकी में लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे थे। सरकार की ओर से 20 करोड़ 44 लाख की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए प्रदान की गई है, जिससे जनपद वासियों ने खुशी जताते हुए सरकार और स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोठगी में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब जल्द ही कोठगी में भूमि पूजन के साथ शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो ये बहुत पुरानी मांग थी कोठगी में नर्सिंग कॉलेज को लेकर के, आज वो पूरी हुई है और बहुत जल्दी उसमें टेंडर की प्रक्रिया होगी। ब्रिडकुल को उसमें कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ है, इसके लिए हमें विधायक जी वो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जो प्रदान की गई उनके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अभी हम मौजूद हैं जनपद रुद्रप्रयाग के कोठगी सेम तोक में, जहां पर एक बहुत बड़ी खुशी जनपद रुद्रप्रयाग को मिली है कि नर्सिंग कॉलेज के रूप में, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने, स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी और राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुराद पूरी हुई है इस क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन किसी भी कारण से वहाँ पे स्वीकृति मिलने में देरी होने से जनता में आक्रोश भी था, लेकिन आज लोग खुश हैं कि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। अभी बीते 3 दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 20 करोड़ 44 लाख की धनराशि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें स्थानीय विधायक भरत चौधरी जी का बहुत अथक प्रयास था कि इस जहाँ पे 150 नाली से ऊपर जमीन जो है सदियों से बंजर थी और इस भूमि का नर्सिंग कॉलेज के रूप में उपयोग किया जाएगा और यहाँ के स्थानीय युवाओं को लेकर और राज्य के युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। मैं सत्यपाल सिंह नेगी, MKN न्यूज, कोठगी, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक से पहले प्रशासन द्वारा निपटने की तैयारी की जा रही है। खटीमा में मॉनसून के दौरान आपदा और बाढ़ से निपटने को लेकर प्रशासन ने 5 बाढ़ नियंत्रण चौकियां बनाई हैं। इन बाढ़ नियंत्रण चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। आपदा राहत कार्यों के लिए सरकारी राशन दुकानों में खाद्यान्न, केरोसिन और खाने के पैकेट रखने को कहा गया। वहीं तहसील खटीमा में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है। आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने खटीमा तहसील में 5 बाढ़ राहत चौकियों को तैयार किया। इन बाढ़ राहत चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। ये बाढ़ चौकियां 15 जून से अस्तित्व में आ गई हैं। खटीमा तहसील क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला सिसैया, प्राथमिक विद्यालय मझोला, सुनपहर, गांगी, जंगल, जोगी, ढेर में बाढ़ चौकियों के साथ खटीमा तहसील में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। MK न्यूज की टेक्स्ट रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।